आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही मतलब क्रिस्पी खस्ता मटरी, जिसको हम खुरमा भी बोलते हैं। और मैं यहाँ पे नमकीन और मीठा दोनों बना रही हूँ, तो मेरी वीडियो लास्ट तक बने रहेगी। और मैं बहुत ही सिंपल आसान तरीके से बताऊँगी, क्योंकि कोई इसमें आप अगर बनाएंगे, छोटा बच्चा ही बनाएंगे तो वीडियो देखकर बना लेंगे, बहुत इजी है। अगर आप मीठा बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो लास्ट तक बने, मैं आपको बहुत खास ट्रिक बताऊँगी, एकदम आसान ट्रिक, कि हम यहाँ मीठी जो मटरी होती है, नमकीन दो वाली मटरी सबको बनता है, जिसको खस्ता हम बोलते हैं, खाजा बोलते हैं, वो बनाना थोड़ा टफ होता है, चाशनी बनानी पड़ती है। तो आज मैं सिंपल तरीके से बताऊँ, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नमकीन वाली मटरी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने खाने वाला सोडा लिया, अजवाइन लिया, और इसको अच्छे से क्रश करके मैं यहाँ डाल दे रही हूँ। और थोड़ा सा थोड़ा टेस्ट के लिए मैं तिल सफ़ेद ऐड कर दूँ, वो अपने चॉइस के हिसाब से आप डालना चाहो डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल से क्या होता है कि मोयन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मोयन नहीं डालेंगे तो आपको जो भी मटरी, जो भी आप मैदा की रेसिपी बनाना चाहते हैं, अगर खस्ता बनाना चाहते हैं, क्रिस्पी बनाना चाहते हैं, तो उसमें रिफाइंड ऑयल या मतलब कोई भी ऑयल हो, सरसों ऑयल छोड़ करके आप उसको यूज़ करेंगे, अच्छे से मोयन करेंगे, तभी आपको कोई भी चीज़ खस्ता बनेगी। तो आप देखेंगे जो मटरी होती है बहुत ही खस्ता क्रिस्पी होती है, और काफ़ी मतलब अच्छे से पूरा पक भी जाता है। तो इसलिए हमको यहाँ पे पहले रिफाइंड से मोइन कर लेना, उसके बाद हम पानी डाल करके अच्छे से इसका आटा जो उसका डो वो तैयार करेंगे। हमको इसका जो डो होता है वो रोटी की तरह गीला थोड़ा नरम नहीं करना है, हमको पूड़ी की तरह सॉफ्ट मतलब थोड़ा हार्ड करना है। तो देखिए मैंने इसको रेडी कर लिया, और इसको 5-10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, जिससे और भी अच्छे से फूल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने मीठा सोडा ऐड किया है, तो उसे थोड़ा टाइम चाहिए। देखिए मैंने इसको कवर करके रख दिया है, और यहाँ मेरा फ़ोन आ गया, तो मैंने जो मीठा खास्ता खाजा बनाने के लिए मैंने डो तैयार किया था, तो उसको बताती हूँ कैसे किया। मैंने पहले इसको सिंपल मैदा लिया, उस पर मैंने रिफाइंड ऑयल से मोइन कर लिया, उसके बाद जो मैं पानी ऐड करके इसको जो आटा तैयार करती हूँ, उस पर मैंने खड़ा चीनी डाल करके बस मिक्स नहीं की, बस उसमें डाल के और पानी साथ गूंथी गई, तो जो उसमें चीनी है वो भी साथ में गूंथ गई है और मीठा भी हो गया। तो इस तरह हमको चाशनी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपकी जो खाजा मीठा रहेगा तो बच्चे को बहुत पसंद आता है, और आपको चाशनी बनाने की कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और अपने मतलब अकॉर्डिंग मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको इसमें चाशनी बनाने कोई भी झंझट नहीं है। तो यहाँ देख ली मैंने इसको लिया है लोई, और इसको बेल लिया चकली में, और जो ये मेरा चकला बहुत ही मतलब अच्छा है, इसमें बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा, आप कितने भी मोटा पतले से बेल सकते हैं, कितना भी बड़ा दे सकते हैं, एक भी मतलब इसमें वो नहीं हो रहा, चिपक नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा मोटा पूड़ी से रोटी से मोटा बेल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो नमकीन खारी जो उसको बोलते हैं मटरी बोलते, थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं अपने चॉइस के हिसाब से इसका जो डिज़ाइन है वो काट रही थी, मुझे लाइनिंग वाली जो आती है वो मुझे बहुत पसंद आता है, थोड़ा इजी भी रहता है, बच्चे इसको पकड़ के खा भी सकते हैं, और छोटा छोटा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो मुझे ये लाइनिंग वाली जो इसका साइज़ है डिज़ाइन वो मुझे बहुत पसंद आता है, और मैं यही ज़्यादातर बनाती हूँ। आपकी चॉइस है आपको कैसे कटिंग करना, तो आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। तो देखिए इस तरह मैंने काटती गई बेलती है, हमको यहाँ सुखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और जो इसका फ्राई करने का एक ख़ास ट्रिक ये है कि इसको हमको कैसे मतलब धीमा आंच में या कम आंच में, लो मीडियम कैसे पकाना, हमको क्या करना है, पहले जो ऑयल उसको अच्छे से गर्म होने दीजिए, उसको जब हम डाल देंगे उसके बाद 2 सेकेंड के बाद हम उसको गैस को लो कर देंगे। तुरंत हमको डालने वक्त हमको गैस को हाई रखना है, और उसके बाद हमको धीमा कर, अगर हम तेज़ कर देंगे, धीमा कर देंगे पहले, तो धीरे धीरे अंदर तेल बहुत सारा अंदर चला जाएगा, और फिर वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा ऊपर से कड़क हो जाएगा, फिर हम गैस धीमा कर देंगे, तो जिससे आराम से खस्ता खस्ता वो हमारी मटरी तैयार हो। देखिए मैंने यहाँ पर नमकीन वाली जो मटरी थी उसको रेडी कर लिया, अब मैं यहाँ पर मीठी वाली जो मैं खाजा बना रही हूँ उसको मैं यहाँ कटिंग कर ली हूँ। ये खाजा के डिज़ाइन पीस मैंने काटा है, और इसको भी इसी मतलब इसी तरह से मैंने इसको भी फ्राई कर लिया है, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसको भी मैं फ्राई करूँगी। तो देखिए यहाँ पे ये गैस को मैंने लो कर दिया है, और इस तरह मैं करके पका रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है, आप भी इस तरह ट्राई करिए, और आपकी सारी मीठी नमकीन और सब कुछ अच्छा रेडी हो जाएगा। पसंद आए वीडियो लाइक कमेंट से ज़रूर करिएगा, फिर अगली वीडियो, तब तक लिए बाय बाय।